हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। इसे देखकर आपको तो पता ही चल गया होगा कि आज हम कुछ अलग बनाने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कस्टर्ड की रेसिपी, पर कुछ डिफरेंट स्टाइल में। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड पॉप्स। ये डेजर्ट दिखने में जितना टेम्पटिंग है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो चलो फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ सबसे पहले एक पैन के अंदर 1 ग्लास मिल्क। अगर मेजरमेंट से देखा जाए तो ये 1/2 kg मिल्क है। यहाँ मैं ले रही हूँ फुल फैट मिल्क। आप अगर टोन मिल्क लेना चाहो तो ले सकते हैं, पर फुल फैट मिल्क से ये जो कस्टर्ड है जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और आपको ज़्यादा देर तक इसे गैस पर बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसमें अच्छी सी उबाल आ चुकी है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी पड़ने लग गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1/4 कप शुगर। अगर चाहो तो आप शुगर की मात्रा को थोड़ा कम भी कर सकते हो। अब हम इसे शुगर को एक बार इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व होने देंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट और हो चुके हैं और अच्छे से शुगर भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क, जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए, याद रखिए आपको कस्टर्ड जब भी आप मिलाते हैं तो उसे ठंडे दूध में मिलाकर ही इसी तरह डालिए, और डालते समय दूसरे हाथ से कंटिन्यू मिल्क को हिलाते जाइए ताकि कोई लम्स ना आए। जैसे हमने इसके अंदर कस्टर्ड डाल दिया है तो ये गाढ़ा पड़ना शुरू हो चुका है। तो अब हम कर देंगे फ्लेम को लो और इसके अंदर हम डालेंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ ले रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। अब डाल लेंगे हम इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो यहाँ ले रही हूँ मैं 4 से 5 बादाम के पीसेस कर यहाँ लिए मैंने 5 से 6 पिस्ते के पीसेस, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तैयार है हमारा कस्टर्ड बनकर। तो हम अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे निकाल लेंगे हम गैस से नीचे, और इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा होता है हम चलते हैं अगली स्टेप पर। तो यहाँ ले रही हूँ मैं 3 ब्रेड के स्लाइसेस। ये बड़ी वाले ब्रेड हैं, आप अगर आपके पास छोटी ब्रेड्स हो तो आप 4 भी स्लाइसेस ले सकते हो, जिसके हमने इस तरह से साइड से इंचेस निकाल दिए। जो ब्राउन वाला पार्ट है उसे हमें इससे निकाल लेना है। जब भी कभी हम ब्रेड की कोई रेसिपी बनाते हैं और इस तरह से इसके जो साइड के इंचेस निकलते हैं इसे फेंकिएगा मत। इससे आप सुखाकर इसके ब्रेड क्रम बना सकते हो, जो बहुत सारी रेसिपीज में काम आते हैं। तो अब हम कर लेंगे इन जो ब्रेड को हमने साइड से काट कर लिया है इनके छोटे छोटे पीसेस। तो इस तरह आप हाथों से रफली इसे तोड़कर छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। अब हम कर लेंगे इसका एक फाइन पाउडर तैयार। तो यहाँ ले रही हूँ मैं एक मिक्सर का जार, जिसके अंदर मैंने इन सभी पीसेस को डाल दिया है। अब हम इसे ढक्कन लगाकर मिक्सर में पीस लेंगे। 2 से 3 बार चंक करने के बाद ये देखिए इस तरह से ब्रेड का अच्छा फाइन पाउडर बनकर तैयार है। तो अब हम इसे कर लेंगे ट्रांसफ़र एक प्लेट के अंदर, और अब हम इसके अंदर डालेंगे एक मेन इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ हम डालने वाले हैं इसके अंदर मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। अगर आपकी ब्रेड छोटी हो और 3 स्लाइसेस अगर ब्रेड के ले रहे हो तो 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर काफ़ी है। यहाँ मेरे ब्रेड के स्लाइसेस बड़े थे इसलिए मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर 1/4 कप लिया है, और हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर ठंडा वाला दूध और इसे डो बना लेंगे। ये नॉर्मल दूध है, इसके अंदर मैंने शुगर और कुछ भी नहीं मिलाया है। अब हम इसका बना लेंगे एक सॉफ्ट डो। याद रखिए मिल्क पाउडर का इस्तेमाल आपको ज़्यादा नहीं करना है। जितना मैंने मिल्क पाउडर और ब्रेड का जो मेजरमेंट आपको बताया है बस उसी तरह से आपको लेना है। अगर आप इसमें रेसिपी में मिल्क पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपकी जो पॉप्स है वो हार्ड बनेंगे। आपको पॉप्स को सॉफ्ट ही रखना है ताकि जब आप इसको कस्टर्ड के अंदर डालेंगे तो मिल्क को एब्जॉर्ब कर और भी सॉफ्ट बन जाए। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ मैंने हाथों पर लगा लिया है थोड़ा सा घी, आप चाहो तो बटर या ऑयल भी लगा सकते हो। और इस तरह से हम एक छोटा सा पोर्शन लेकर इसका एक बॉल तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के 8 बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहो तो कम या ज्यादा बॉल्स की साइज रख सकते हो। तो यहाँ ले रही हूँ मैं एक बॉल को, इस तरह से मैंने इसे मिल्क में डिप कर लिया है, ये नॉर्मल मिल्क है। अब हम यहाँ ले रहे हैं वर्मिसिली, जिसे मैंने हाथों से थोड़ा क्रश कर बारीक कर लिया है। अब हम इसे इन बॉल्स को इस वर्मिसिली के साथ अच्छे से कोट करेंगे। हमने इसे दूध में इसलिए डिप किया है ताकि ये वर्मिसली अच्छे से इन बॉल्स के ऊपर कोट हो जाए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से वर्मिसली इन पे कोट हो चुकी है। यहाँ मैंने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन बॉल्स को डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक पैन के अंदर ऑयल, जिसे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर
गर्म होने रख दिया था, तो हमारा ऑयल अच्छे से गर्म है, तो हम एक एक करके सभी बॉल्स को इसके अंदर डाल देंगे। याद रखिए आपको हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर डाली वर्मिसली, तो वर्मिसली बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, तो हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा प्यारा सा कलर आ चुका है, ये अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने सभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो अब कर लेते हैं हम प्लेटिंग। तो यहाँ मैं ले रही हूँ कस्टर्ड जो हमारा फ्रिज में रखकर ठंडा हो चुका है। यहाँ गार्निशिंग के लिए मैंने लिए 4 से 5 चेरी, यहाँ टूथपिक लिए मैंने थोड़े से, और ये बॉल्स तैयार है। और इस तरह के मैंने शॉर्ट्स के ग्लासेस लिए हैं। आज हम बनाने वाले इन ग्लासेस के अंदर हमारा कस्टर्ड पॉप्स, तो तैयार है हमारे ग्लासेस भी और कस्टर्ड भी। तो फटाफट से हम ग्लासेस के अंदर डाल देते हैं कस्टर्ड को। यहाँ मैं ले रही हूँ हाथ के अंदर एक पॉप्स, और उसके अंदर इस तरह से हमने टूथपिक को चुबो दिया है। अब हम और एक वाला भी ले लेंगे पॉप्स, और उसके भी अंदर हम टूथपिक इस तरह चुबो देंगे, और इसे रख देंगे हम इस तरह से ग्लास के अंदर। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे चेरी, ताकि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरह मैंने ये एक शॉट्स तैयार कर लिया है। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले ग्लास के अंदर भी इस तरह से पॉप्स रख लेंगे, और इसी तरह मैंने तीसरी ग्लास भी बनाकर तैयार कर ली है। तो ये लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारी यूनिक स्टाइल में कस्टर्ड पॉप्स बनकर तैयार हैं। अब किटी हो या पार्टी हो या कोई अचानक से मेहमान आ जाए और घर में रखा हो दूध, तो बना लीजिए इस कस्टर्ड को और सर्व कीजिए। ये यूनिक स्टाइल का कस्टर्ड पॉप्स देखकर आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। अब की बार अगर आपको कस्टर्ड बनाना हो तो इस तरीके से बनाइए। यूनिक सी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारे रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।